अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद इसाक है। प्रॉपर्टी नवा से मेरा ताल्लुक है। इस टाइम मौजूद हूँ मेन M2 मोटरवे के ऊपर। जैसे कि आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, ये M2 मोटरवे है जो डायरेक्टली यहाँ से इस्लामाबाद इंटरचेंज को टच हो रही है। और अगर आप इसके इस साइड पे जाएं तो लाहौर आता है, साथ ही आपको चक्री इंटरचेंज मिलता है। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता चलूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद इस टाइम किस पीक पे जा रहा है और किसकी वजह से, वो भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। कुछ अर्सा पहले मैंने वीडियो बनाई थी यहाँ पे और उसमें जिक्र किया था इंटरचेंज का कि कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद अपना इंटरचेंज लेके आएगी तो आपके जो प्लॉट्स होंगे उनकी प्राइसेस जो है वो आसमानों को छुएंगी। तो नाज़रीन आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बैक साइड में आप मेरे एक छोटा सा बोर्ड भी दिख रहा होगा आपको, कैपिटल स्मार्ट सिटी की यूनिवर्सिटी इसके ऊपर जो है बताई गई है कि यहाँ पे NDU यूनिवर्सिटी लेके आ रहे। सर ये जो साइट है ये कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद की साइट है और मैं बिल्कुल साइट के ऊपर मौजूद हूँ। इस कंडा तार की उस साइड पे आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी मिलेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा M2 मोटरवे। नाज़रीन कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो इंटरचेंज है वो अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव्ड हो चुका है। अब जो प्लॉट्स की कीमतें थी वो दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर जो है इंटरचेंज आ रहा है, जिसके लिए लेफ्ट राइट दोनों साइड जो है वो रेडी कर दी गई है। नाज़रीन कैपिटल स्मार्ट सिटी हबीब रफ़ी ग्रुप का प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी ग्रुप इसको बना रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से हमने यहाँ पे काम किया, हमने इनके साथ जो है हर लम्हे काम किया और इसको मार्केट किया, क्योंकि हमें पता था एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है और आने वाले वक्त में जो है ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा। जैसे कि आपको पता है दो ब्लॉक्स में इसमें हमने जो है ओवरसीज़ 1 और ओवरसीज़ सेंट्रल की बैलेटिंग कर दी है। ओवरसीज़ 1 जो है वो हैंडओवर भी हो चुका है और उसमें भी लोग रह रहे हैं, इसके अलावा विलास वगैरह रेडी हो चुके हैं। तो ये M2 मोटरवे जो है ये डायरेक्टली आपका चक्री रोड जाती है और यहाँ से इस्लामाबाद, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। जो लोग इस्लामाबाद से आते हैं, जो लोग चक्री रोड से आते हैं या लाहौर से आते हैं, अब वो जो है उस रोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब वो डायरेक्टली कैपिटल स्मार्ट सिटी इंटरचेंज से उतरते हुए इस्लामाबाद कैपिटल स्मार्ट सिटी में जाके एंटर होंगे। नाज़रीन जब से अप्रूवल आई है और अल्हम्दुलिल्लाह काम जब से स्टार्ट हुआ है इंटरचेंज के ऊपर, तो आपने देखा कि वो प्लॉट जो माइनस में जा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह वो आज बड़े बड़े प्रॉफिट्स के ऊपर है। जब हम आपको कहते थे कि यार यहाँ पे आप प्लॉट लें आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, इंटरचेंज आएगा, इंटरचेंज की अप्रूवल आई हुई है, आप लोग कहते थे जी ये तो मजाक है और कैपिटल स्मार्ट सिटी किधर इंटरचेंज ले सकते हैं। तो नाज़रीन हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम जो है काम करके दिखाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी को प्रॉपर NOC मिल चुका है। वर्क कभी वो भी वर्किंग इसके ऊपर कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। और वो प्लॉट जो आज से 3 महीने पहले हम आपको कहते थे कि बुक करा लें, फ्रेश बुकिंग होगी, अभी आप लोगों ने इस तरह करना है कि जिस बंदे को भी प्लॉट चाहिए वो रीसेल में जो है मार्केट में जाके चेक करें और रीसेल में आपको प्रॉफिट के ऊपर मिलेगा। जो पेमेंट्स आपने की हुई हैं, सॉरी जिस बंदे ने की होती है वो आपको पे करनी पड़ेगी, डाउन पेमेंट पे करनी पड़ेगी, फीसिस देनी पड़ेगी, और प्रॉफिट देंगे तो आपको प्लॉट मिलेगा। फ्रेश बुकिंग के ऊपर इस टाइम मुझे कोई कॉल ना करेंगे, भाई मुझे फ्रेश बुकिंग चाहिए कैपिटल स्मार्ट सिटी में, एग्जेक्टिव ब्लॉक या ओवरसीज ब्लॉक में बुकिंग दे रहे हैं, तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वो टाइम निकल चुका है। तब आप रीसेल में लेंगे, रीसेल में भी आपको जो है बड़े बड़े प्रॉफिट देने पड़ेंगे, क्यों, मोटरवे आ चुका है, ठीक है, इंटरचेंज आ चुका है और ये साथ ही मोटरवे है। कैपिटल स्मार्ट सिटी 2018 से हमने कहा था कि इसमें इंटरचेंज आएगा, जिन लोगों ने यहाँ पे प्लॉट लिए हैं वो थोड़ा सा होल्ड करें, इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। कि कुछ लोगों ने तो बहुत जल्दी उसको निकाल दिया, अब वो लोग रो रहे होंगे कि यार वो हमें 3-4 लाख रुपये प्रॉफिट दे के वो प्लॉट दे दो। तो नाज़रीन जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आप जो है थोड़ा सा टाइम दिया करें, आप टाइम फ्रेम दिया करें, और इन्वेस्टमेंट हमेशा जो है कम से कम 2 से 3 साल की होती है, तब जाकर आपको फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे जिन लोगों ने 2 साल 3 साल 1 साल पहले प्लॉट लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके आज जो प्लॉट है वो प्रॉफिट के ऊपर चले गए हैं। आज सिर्फ इसी मकसद के ऊपर मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि आपको एक ग्राउंड रियलिटी दिखाऊँ कि यार कितना करीब होगा और किस तरह आपका एंट्रेंस होगा। सेम M2 मोटरवे है, उससे आप उतरेंगे और कैपिटल स्मार्ट सिटी में आ जाएंगे। अब ये जो बोर्ड लगा हुआ इसकी भी आपको थोड़ी सी वजाहत करवा दूँ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब फिनटेक यूनिवर्सिटी आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे इंशाल्लाह एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद का, जो कि बहुत करीब पर होगा इंटरचेंज के। अगर आपको हमारा कैमरामैन दिखाए तो जूम करें सामने, ये सारी की सारी कटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव 2 और ओवरसीज सेंट्रल ये सारा का सारा बन रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बैलेटिंग भी हो चुकी है। तो
बात यही है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे फ़ख्र है कि जिन लोगों ने हमसे प्लॉट लिए थे आज वो बड़े बड़े प्रॉफिट्स के ऊपर है। तो नाज़रीन, इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम आती है और इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा उठाने के लिए आपने कुछ ना कुछ जो है वेट करना होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मोहम्मद इसहाक को दे इजाज़त, अगली वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।